दोस्तों, अगर आप भी शुभमन गिल, सूर्य कुमार यादव और ईशान किशन को अच्छा बल्लेबाज मानते हैं तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। दोस्तों, भारत वेस्टइंडीज के बीच पहले T20 मुकाबले में शुभमन गिल ने जड़ा शतक, लेकिन इसके बावजूद भी जब टीम इंडिया पहुंच गई थी हारने की कगार पर, तब अंतिम ओवर में सूर्य कुमार यादव और ईशान किशन ने अपनी जान की बाजी लगाकर भारतीय टीम के लिए पलट कर रख दिया ऐसा दिल दहला देने वाला हारा हुआ मुकाबला कि देखकर पूरे भारत देश ने खड़े होकर ठोका सलाम। तो दोस्तों, आखिर भारत वेस्टइंडीज के बीच पहले T20 मुकाबले की पूरी हाईलाइट शुभमन गिल के शतक से लेकर सूर्य कुमार यादव की अंतिम ओवर तक की आपको वीडियो में तो दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि शुभमन गिल, सूर्य कुमार यादव, ईशान किशन और रोहित शर्मा में से कौन अच्छा बल्लेबाज है? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलिए, अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, जैसे कि आप सभी तो जानते हैं कि भारत और वेस्टइंडीज के बीच पहला T20 मुकाबला ब्रेन लारा क्रिकेट अकेडमी स्टेडियम पर शुरू हुआ, जहां इस मुकाबले में वेस्टइंडीज टीम के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और यहां पर 5 विकेट गंवाकर वेस्टइंडीज की टीम ने 211 रन बना डाले और यहां भारतीय टीम को लक्ष्य मिला 212 रन का। हालांकि इस बीच आपको हम बता दें कि 212 रन के लक्ष्य के जवाब में जब भारतीय टीम उतरी तो यहां पर टीम इंडिया शुरुआत में तो काफी ज्यादा लड़खड़ाती हुई नजर आई, लेकिन दोस्तों मुकाबला जैसे जैसे आगे बढ़ता रहा टीम इंडिया ने वापसी की और अंतिम ओवर तक तो मैच ऐसा जा पहुंचा जहां हर किसी की रूह तक कांप गई। हुआ ये कि जब वेस्टइंडीज के लिए ब्रेंडन किंग और काइल मेयर्स ने पारी की शुरुआत की थी तो यहां पर दोनों बल्लेबाज अच्छी साझेदारी कर नहीं पाए। यहां पर ब्रेंडन किंग मात्र 25 रन बनाकर आउट हुए तो वहीं काइल मेयर्स ने 32 रन की पारी खेली। तो वहीं इन दोनों के आउट हो जाने के बाद फिर मैदान पर आते हैं निकोलस पूरन और जॉनसन चार्ल्स, जहां जॉनसन चार्ल्स का फॉर्म बेहद ही लाजवाब चल रहा है और इसी फॉर्म को बरकरार रखते हुए उन्होंने आज अर्शदीप सिंह की और युजवेंद्र चहल की गेंदों पर खूब छक्के चौके जड़े और महज 17 गेंदों में 48 रन की पारी उनकी उमरान मलिक ने समाप्त की। तो वहीं जॉनसन चार्ल्स 48 रन बनाकर आउट हुए और उनका दूसरे छोर पर साथ निभा रहे निकोलस पूरन ने आज के इस मुकाबले में सबसे पहले तो चार्ल्स के साथ मिलकर अपना अर्धशतक पूरा किया था और अर्धशतक पूरा कर देने के बाद निकोलस पूरन कहां रुकने वाले थे। निकोलस पूरन ने आज रोमन पॉवेल के साथ मिलकर अर्धशतकीय साझेदारी को अंजाम दिया। इस बीच निकोलस पूरन ने 62 तो वहीं रोमन पॉवेल ने 42 रन बनाए, जिसके चलते वेस्टइंडीज की टीम आज 5 विकेट गंवाकर 211 रन बना पाने में कामयाब हो पाई। और दोस्तों, इस दौरान भारत की तरफ से सबसे ज्यादा 3 विकेट उमरान मलिक के नाम रहे, तो वहीं 1-1 विकेट अर्शदीप सिंह और युजवेंद्र चहल को मिला। अब दोस्तों, बारी थी इस मैदान पर भारतीय बल्लेबाजों की कुछ कर दिखाने की और यहां पर इसी आस के साथ शुभमन गिल और राहुल त्रिपाठी ने पारी की शुरुआत की। हालांकि इन दोनों बल्लेबाजों से आज पूरा भारत यही उम्मीद लगा रहा था कि यह दोनों बल्लेबाज आज एक सदी हुई शुरुआत टीम इंडिया को दिलाएंगे और हो सकता है कि भारत की टीम आसानी से इस पिच पर मैच को जीत भी ले। लेकिन दोस्तों, जो भी हम सभी ने सोचा था वो सब गलत था, क्योंकि आज के इस मुकाबले में वेस्टइंडीज के गेंदबाजों ने अलग ही तरह का प्रकोप दिखाकर रखा और यहां पर भारतीय बल्लेबाजों को कोई मौका ही नहीं दिया खुलकर बल्लेबाजी करने का। हुआ ये कि दोस्तों, जब पारी की शुरुआत करने के लिए राहुल त्रिपाठी मैदान पर थे तो दोस्तों उनका विकेट यहां पर रोस्टन चेज ने चटका दिया, जो कि 10 रन बनाकर ही आउट हुए और इस दौरान शुभमन गिल भी बाल बाल आउट होने से बचे, नहीं तो शुभमन गिल की पारी मात्र 5 रन पर ही समाप्त हो जाती। हालांकि यहां पर शुभमन गिल का कैच निकोलस पूरन से छूट गया था और शुभमन गिल को यह जीवन दान मिला और इस जीवन दान का उन्होंने भरपूर फायदा उठाया। इस दौरान फिर तीसरे नंबर पर भारतीय टीम के लिए बल्लेबाजी करने के लिए कप्तान हार्दिक पांड्या ने अपने आप को भेजा। हार्दिक पांड्या भी आज के इस मुकाबले में फीके ही नजर आए और 11 रन की पारी खेल चलते बने। अब हार्दिक का भी विकेट गिर चुका था, राहुल त्रिपाठी भी लौट चुके थे, अब शुभमन गिल और सूर्य कुमार यादव मैदान पर थे। हालांकि इस दौरान शुभमन गिल का बल्ला एक छोर से ताबड़तोड़ अंदाज में चलता चला जा रहा था और इस दौरान उन्होंने सबसे पहले तो अपना अर्धशतक मात्र 28 गेंदों में पूरा किया। तो वहीं शुभमन गिल का साथ निभाने वाले सूर्य कुमार यादव भी अपने अर्धशतक के बेहद ही नजदीक पहुंचने की कगार पर थे, लेकिन इसी बीच शुभमन गिल का भी शतक पूरा हो जाता है और शुभमन गिल ने आज के इस मुकाबले में अपना शतक पूरा करते हुए 112 रन की तूफानी पारी खेली, वो भी मात्र 47 गेंदों में। तो वहीं शुभमन गिल का साथ निभाने वाले सूर्य कुमार यादव ने उन्हीं को रनआउट करवा दिया, जिसके चलते शुभमन गिल के रूप में टीम इंडिया को तीसरा बड़ा झटका बेहद ही जल्दी लग गया और अब ईशान किशन और सूर्य कुमार यादव पर पूरा दारोमदार था इस मुकाबले को जिताने का और मुकाबले के अंतिम ओवर मात्र बचे हुए थे और जब अंतिम 6 गेंदों में भारत को जीतने के लिए 28 रनों की जरूरत थी और दोस्तों स्ट्राइक पर थे ईशान किशन, जहां ईशान किशन ने अंतिम ओवर करवाने के लिए आए अल्जारी जोसेफ की पहली गेंद पर डीप मिड विकेट की तरफ छक्का जड़ दिया और अब भारत को जीतने के लिए 5 गेंदों पे
मात्र 22 रन चाहिए थे। अगली गेंद पर ईशान किशन ने पीछे की तरफ चौका जड़कर भारतीय टीम को और भी नजदीक पहुंचाया जीतने के, और अगली गेंद पर ईशान किशन एक रन भाग जाते हैं और अब भारत को 3 गेंदों पर 17 रनों की जरूरत थी और स्ट्राइक पर आ चुके थे सूर्य कुमार यादव। हालांकि दोस्तों सूर्य कुमार यादव की सिक्स हिटिंग काबिलियत से तो पूरा भारत वाकिफ है और आज यही देखने के लिए भी मिला, क्योंकि दोस्तों ईशान किशन के स्ट्राइक चेंज कर देने के बाद सूर्य कुमार यादव ने अपने अनोखे अंदाज में 360 डिग्री शॉट लगाने शुरू कर दिए। यहां पर चौथी गेंद पर छक्का, पांचवी गेंद पर डीप की तरफ छक्का और फिर अंतिम एक गेंद पर जब 5 रन की जरूरत, तब सूर्य कुमार यादव ने आगे बढ़कर अनोखा सामने की तरफ छक्का जड़कर भारतीय टीम को इस हारे हुए मुकाबले में जीता दिया। और दोस्तों इस मुकाबले में भारतीय टीम की शानदार जीत हुई। बाकी हम आपको बता दें कि भारत और वेस्टइंडीज के बीच पहले T20 मुकाबले से ठीक पहले का यह इंटर स्क्वाड और अभ्यास सत्र का मुकाबला था जिसमें भारतीय टीम की जीत हुई है। लेकिन अब आप सभी की क्या राय है भारतीय टीम के बल्लेबाजों और गेंदबाजों की ऐसी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी को देखने के बाद, और आप इनकी बल्लेबाजी और गेंदबाजी को 10 में से कितने नंबर दोगे? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा।